सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल परिणीति के सेट पर, जहां पर आज नीति यानी कि तन्वी डोगरा सेट पर कर रही है माता रानी की पूजा अर्चना। भाई सज गई है पूजा की थाली और आस्था में लीन हो गई है तन्वी। ये नवरात्रे हैं जो मैं बहुत मानती हूँ, हम माता रानी को मानते हैं, हम वैष्णो देवी माता को मानते हैं क्योंकि हम पंजाबी हैं, तो जो नवरात्रे का त्यौहार है वो बहुत ज़्यादा हमारे में बोलते हैं नराते, तो नराते जो होते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं और अष्टमी और नवमी में हम प्रसाद खिलाते हैं 7 दिन का या 8 दिन का फास्ट रख के, तो बहुत खास है साल में ये नवरात्रि का त्यौहार। और बॉम्बे में तो और अच्छी होती, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, यहाँ पे डांडिया होता है, गरबा होता है, और हमारे वहाँ पे होता है रामलीला, तो हम पूरी रामायण की जो स्टोरी है वो 9 दिन चलती है और 10वें दिन दशहरा होता है जब राम जी रावण का दहन करते हैं। तो हाँ नवरात्रे हैं और मैं आज पूजा कर रही हूँ अपने सेट पे, अपने मेकअप रूम में, क्योंकि आज हमारा जल्दी का कॉल टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे पूजा करें। तो सामग्री, एक तो पहले हमारे बहुत ही सुंदर सी माता रानी हैं, शेरों वाली माता हम इन्हें बोलते हैं, और सारी पूजा की हमने सामान ला के रखा हुआ है, फूल हैं, दिए हैं और अगरबत्ती है, और हाँ हमारे पास ये पान के पत्ते और नीम के पत्ते भी हैं जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं किसी भी पूजा में। तो चलो पूजा करते हैं। फाइनली हमने पूजा कर ली है और सुबह सुबह पूजा करके बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है मन को, और नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा मुझे GNT के साथ। तो नवरात्रि में हमारे चंडीगढ़ में हम फास्ट जैसे करते हैं, 9 दिन का फास्ट होता है, देन उन 9 दिनों में बहुत ही टेस्टी टेस्टी पकवान बनते हैं, और बहुत आजकल तो बहुत सारे मार्केट में चीज़ें आ गई हैं फास्ट के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है वो खाने में भी। प्लस हम जब फास्ट तोड़ते हैं तो सबसे मुझे याद आती है अपनी बचपन की दिन, हम उसे बोलते हैं कंचकें, तो कंचक मतलब छोटी लड़कियों को कंचक बोला जाता है, और जो भी फास्ट तोड़ते हैं तो वो माता रानी के लिए पूरियाँ, चने जो ब्लैक कलर के चने होते हैं सूखे चने, एंड हलवा स्पेशली, तो वो बनता है और कंचकें बिठाई जाती हैं, कंचकों को पूजा जाता है, उनको खिलाया जाता है, तो वो मुझे बहुत याद आता है अपना बचपन। एग्जैक्टली और पैसों का एक अलग ही क्रेज़ होता था कि ओ हमें 5 रुपीज़ मिले, हमें 10 रुपीज़ मिले, जो 10 देता था वो तो मतलब कि सबसे रिच आंटी है और बहुत, और उसके बाद तो फिर ऐसा भी होने लग पड़ा कि जैसे गिफ्ट्स देने लग पड़े, तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मज़ा आता था, तो बचपन की वो यादें बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं अभी भी माइंड में। बाकी हाँ मैं एक और बात आपको बता दूँ कि हमारे नॉर्थ साइड में रामलीला होती है, जो होती है 9 दिन हम रामायण जो है वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, और 10वें दिन वो होता है रावण दहन जिसे हम बोलते हैं दशहरा, तो बड़ा मज़ा आता है दशहरे वाले दिन, तो अलग ही फील होता है वहाँ पर, और पूरा मेला होता है, रावण दहन होता है, 3 मेघनाथ, कुंभकर्ण एंड रावण के पुतले होते हैं, उसको फिर राम जी कैसे अपने
जो आग वाला जो बाण होता है उससे उसको जला देते हैं, तो बहुत 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 मज़ा आता है। और मुझे यहाँ पर वो देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर एक्चुअली फन वाली वो होती है नवरात्रि, क्योंकि यहाँ पर गरबा होता है, डांडिया होता है, बहुत मज़ा आता है उसमें भी मुझे। तो पिछली बार भी मैं गई थी, इस बार भी मैं जाऊंगी। मुझे आता नहीं है करना, पर मुझे देखने में और वो डांस साथ साथ में ना थोड़ा सा सीखने में बड़ा मज़ा आता है, और उसके उसके सॉन्ग्स और ये सब बहुत बहुत अच्छा लगता है। अपने आप फील आती है जब माता रानी के लिए हम डांस कर रहे होते हैं। करा शेरा वाली माता दा मूल साचे दरबार दी जय। हम तो मना रहे हैं आपके साथ नवरात्रि का ये त्योहार, और लेकर आते हैं हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियां।